Hello students, welcome back in the class. So today we will discuss about the resultant force. Okay. So जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि force जो होता है वो एक vector quantity होता है और इसमें magnitude होता है as well as direction होता है, right? तो actually में क्या है कि जब हम किसी भी system पे net resultant force निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो simple arithmetic operations नहीं होता है. Because force is a vector quantity. अगर सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी होता, जैसे हम दो मास को जोड़ रहे होते कि आप एक ब्लॉक ले लो, सपोज करो क्या कि यहाँ पे ये एक ब्लॉक है जो 5 केजी का है, राइट, और उसके बाद एक छोटा सा ब्लॉक है जो 3 केजी का है. अब आप इस ब्लॉक को इसके ऊपर रख देते हैं, मान लेते हैं क्या कि इसके ऊपर हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो ये 5 केजी और 3 केजी ये दोनों मिलाकर के टोटल कितना हो गया 8 केजी, राइट. तो ये पूरा ब्लॉक का जो नेट वेट है ये 8 केजी का, दैट इज अ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन, राइट. बट वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्या होता है कि सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन या सबट्रैक्शंस नहीं होता है, राइट. तो इसी कारण से हम लोग यहाँ पे जो है नेट रिजल्टेंट फोर्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से किसी सिस्टम पे जब कोई टोटल फोर्स अप्लाई होता है किसी भी डायरेक्शन से तो हम वहाँ पे उस सिस्टम पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको कैसे निकालते हैं, राइट. तो हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो हमारा जो डायरेक्शन का जो हम लोग फैसिलिटी ले रहे हैं वो इस तरीके से है कि हम जानते हैं क्या कि ज्योग्राफिकली क्या होता है, नॉर्थ से हिप होता है, ये साउथ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट, और फोर्स के साथ डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है. तो हम सपोज करते हैं कि ये जो F1 है ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है ए ब्लॉक वन पे या इस ब्लॉक पे, और F2 भी जो है सो इस डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है, ओके. अब यहाँ पे क्या है कि इस ब्लॉक पे जो डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन जो है सो सिमिलर है. तो यहाँ पे क्या होगा कि इस ब्लॉक पे लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मैथमेटिकली ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा F नेट वो हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2, और जो नेट रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा इस डायरेक्शन, ओके. अब क्या है कि यहाँ पे आपका जो है देखेंगे कि अब ये जो हमारा एग्जाम्पल टू है इसमें हम लोग क्या किए हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो F1 है वो जो है सो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, राइट, और F2 जो है वो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, ओके. अब अगर जो हमको इसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि एक फोर्स जो है सो ये अपोजिट है, तो अगर हम F1 जो इस डायरेक्शन है अगर हम उसको पॉजिटिव फोर्स मान के चलते हैं, राइट, बाय साइन कन्वेंशन के साथ, तो यहाँ पे जो F2 है वो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अगर आप देखें तो एक F net इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है प्लस F2 जो कि वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. अब अगर हम इसको नेगेटिव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा F1 इस डायरेक्शन में, अब चूंकि हम इसको निगेटिव करने जा रहे हैं तो माइनस F2, तो जब हम निगेटिव करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन. अब आप देखें कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन था तो इस पॉजिटिव को हमने निगेटिव साइड से कन्वर्ट किया तो इसका डायरेक्शन जो है सो सेम हो गया यानी कि ईस्ट हो गया, ओके. सो बेसिकली अब क्या है कि डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कर सकते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स यानी कि मैथमेटिकली सिंपली सबट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए कि F नेट जो है वो हो जाएगा F1 माइनस F2 और यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट, ओके. आप देखिए यहाँ पे कंसीडर है, अगर मान लेते हैं क्या कि F1 अगर ग्रेटर देन F2 है तब तो F net क्या हो जाएगा, आप सोचिए कि यहाँ पे F1 अगर ग्रेटर देन F2 है तो F net जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन एज इट इज रह जाएगा यानी कि इस डायरेक्शन, ओके. लेकिन अगर यहाँ पे जो ये केस वन है, राइट, और अगर हम केस टू देखें, ठीक है, तो केस टू में क्या हो सकता है कि अगर F1 less than F2 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F net जो है वो हो जाएगा निगेटिव. अब जब निगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन के साथ निगेटिव लगा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो हमारा जो F net का जो डायरेक्शन होगा यानी कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा वेस्ट, राइट, और यहाँ पे जो F net है पॉजिटिव है तो इसका हो जाएगा ईस्ट, ठीक है. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है सो ऑलवेज जो है सो
क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। और हम नेट रिटर्न फोर्स निकालने के लिए मैथमेटिकली सिंपली अर्थमेटिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, वहां पे हमको क्या करना होता है डायरेक्शन को भी कंसीडर में लेना पड़ता है। ओके तो डायरेक्शन को कंसीडर करके ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब मान लेते हैं क्या देखिए एक हम क्या करते हैं आपको एक न्यूमेरिकल या एक जो है सो मैग्नीट्यूड के साथ जो है सो कुछ वैल्यू के साथ जो है सो हम लोग लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि चलिए f1 इज इक्वल टू जो है सो 2 न्यूटन है और f2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 और इस डायरेक्शन। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5 न्यूटन इस डायरेक्शन। ओके तो यहाँ पे क्या है आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जो है सो 5 न्यूटन का लग रहा होगा इस बॉक्स पे और इस डायरेक्शन होगा। और इस एग्जांपल से आप क्या समझते हैं कि अगर फोर्स जो है सो सेम डायरेक्शन में लग रहा हो तो वहां पे टोटल फोर्स जो है सो एड अप हो जाता है, यानी कि जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो ओवरऑल बढ़ जाता है। लेकिन इस वाले एग्जांपल में हम क्या देखते हैं अगर सिमिलर एग्जांपल लेते हैं यहां पे जैसे f1 जो है सो ये 2 न्यूटन का लेते हैं और f2 3 न्यूटन का लेते हैं तो यहां पे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए f1 - f2 तो 2 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन और यहां पे क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 1 न्यूटन और इस डायरेक्शन। अब यहां पे नेगेटिव साइन है तो ये 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में नहीं है। अब क्या होगा नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 1 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में होगा, राइट। क्योंकि यहां पे क्या है कि एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है और 3 न्यूटन का फोर्स जस्ट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि ईस्ट और वेस्ट। तो यहां पे क्या है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट होगा और नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा 1 न्यूटन होगा। तो इस एग्जांपल से आपको क्या क्लियर होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा फोर्स एक दूसरे के अपोजिंग में लग रहा है तो वहां पे नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स और हाउ वी कंबाइन द टू और मोर देन टू फोर्सेस दैट विल अप्लाई ऑन ए सिस्टम और ऑन ए बॉडी। ओके आज जो है सो हम लोग ये जो है फोर्स का ओवरऑल जो है सो हम लोग खत्म कर रहे हैं और अब जो है सो हम लोग प्रेशर का एक छोटा सा पार्ट कर लेते हैं इंट्रो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन SI यूनिट उसके बारे में उसका फॉर्मूला ये सारा चीज। तो चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर। ओके आज से हम लोग प्रेशर में इंट्रो करेंगे, हम लोग जो है सो प्रेशर का प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पढ़ेंगे। वैसे हम लोग प्रेशर में हम लोग को बहुत सारा चीज पढ़ना है जिसमें हम लोग फ्लूइड प्रेशर के बारे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर जो है सो किस तरीके से किसी सरफेस पर एक्ट करता है और किस तरीके से उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्ट होता है, राइट। तो आज जो है सो सिर्फ हम प्रेशर को डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रो पार्ट। ओके तो अब देखिए प्रेशर जो होता है वो क्या होता है जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि अगर हम फोर्स लगाते हैं जैसे हम अपने हैंड से एक फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं इस सरफेस पे। ओके तो जब हम इस सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स तो ये फोर्स क्या हो रहा है इस ओवरऑल सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। हम फोर्स तो लगा रहे हैं इस पॉइंट पर बट वो फोर्स जो है सो क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सरफेस पर, राइट। तो क्या होगा कि इस सरफेस का कुछ एरिया होगा, ओके राइट। और पर यूनिट एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो ओवरऑल फोर्स जो है सो मान लेते हैं क्या जो कि हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं लेकिन पर यूनिट एरिया जो है 5 न्यूटन फोर्स नहीं लग रहा होगा, राइट। वहां पे क्या हो रहा होगा वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, समझ रहे हैं जी। कि जैसे मान लीजिए हम अपने हाथ से 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगाए, राइट, लेकिन वो 10 न्यूटन का फोर्स जो है सो ओवरऑल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट। तो क्या हो गया कि पर यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है वो जो है सो डिस्ट्रीब्यूट हो गया यानी कि वो अलग होगा। तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है यानी कि द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, राइट। तो हम जब फोर्स को यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड को यानी कि एक ऐसा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि
वन यूनिट एरिया यानी कि यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, तो हम प्रेशर को सिंपली डिफाइन कर रहे हैं क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अब देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, तो प्रेशर क्या है, प्रेशर में फोर्स है, ओके, और एरिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, हम प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय एरिया, राइट। तो यहां पे क्या है, हमारे पास प्रेशर है और प्रेशर इज इक्वल टू हमने लिखा फोर्स बाय एरिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया प्रेशर का, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं P इक्वल टू F बाय A, राइट। अब देखिए प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ जो प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड पास्कल। ठीक है, और पास्कल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं PA, ओके, कैपिटल P स्मॉल A, दैट इज कॉल्ड पास्कल। तो प्रेशर का ऐसा यूनिट हो गया पास्कल। अब देखिए यहां से प्रेशर का जो प्रेशर इज इक्वल टू जो हम लोग हमारे पास फॉर्मूला निकला है एफ बाय ए, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल। तो वन पास्कल इज इक्वल टू फोर्स क्या है, वन न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, राइट। तो यहां से हम क्या, हमको क्या निकल के आता है, वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखे इस तरीके से, तो यहां पे आपको समझने का चीज है, एक्सपोनेंट में आप लोग पढ़ते हैं वन न्यूटन, अब यहाँ पे न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो आप देखिए ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि प्रेशर का जो है तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज पास्कल, एंड वन पास्कल इज इक्वल टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वन पास्कल प्रेशर को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, अगर आप पास्कल को डिफाइन करना चाहें तो वन पास्कल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, वन हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स विल अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया देन द वन पास्कल ऑफ प्रेशर विल जनरेट, राइट। तो यहां से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन वन न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया देन वन पास्कल ऑफ प्रेशर डेवलप, ओके। अब देखिए तो ये था हमारा प्रेशर का इंट्रो पार्ट, आज जो है सो हम लोगों ने पढ़ा रिकॉम्बिनेशन यानी कि नेट डिटरमिनेंट फोर्स और प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेशर्स पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो है सो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, इन सारे चीजों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।